हेलो नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बिहार उद्यमी योजना का दोस्तों जो फॉर्म भरा रहा है 10 लाख के लिए, जिसमें 5 लाख आपको सरकार द्वारा माफ़ कर दिया जाएगा। इसमें डॉक्यूमेंट्स दोस्तों क्या क्या अपलोड करना है वही मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना होगा फॉर्म भरते समय। दोस्तों हमारे वीडियो के साथ बने रहिएगा अंत तक। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और दिखाते हैं इसमें कौन कौन डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना ज़रूरी है। यहाँ दोस्तों हम लॉगिन कर लिए हैं और हमारा पेज यहाँ आ गया है। यहाँ जाति प्रमाण पत्र फर्स्ट में मांगा जा रहा है, महिलाओं के लिए दिखा रहा है कि वैकल्पिक है और सभी लोगों को आपको जाति प्रमाण पत्र यहाँ अपलोड करना होगा, जो भी जाति से बिलोंग करते होंगे किसी भी कैटेगरी से। आपका जाति प्रमाण पत्र नया रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद दसवीं का यहाँ सर्टिफिकेट या मार्कशीट आपको लगाना है। यहाँ जन्म प्रूफ के लिए आपको यहाँ अपलोड करना होगा। उसके बाद इंटरमीडिएट या समकक्ष आपको इंटर के यहाँ आपको डॉक्यूमेंट्स लगाना होगा। उसके बाद उच्चतर शैक्षणिक योग्यता दिया है, यहाँ आपका हाइएस्ट क्वालिफिकेशन जो होगा आपको यहाँ अपलोड करना होगा। ग्रेजुएशन एम ए जो भी होगा यहाँ आप अपलोड करेंगे, हाइएस्ट यहाँ जहाँ लिखा हुआ है। सभी JPG में होना चाहिए। उसके बाद यहाँ आवासीय प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना होगा, निवास प्रमाण पत्र। उसके बाद निवास के बाद यहाँ फ़ोटो आपको एक अपलोड करना होगा। उसके बाद यहाँ दोस्तों सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। दोस्तों यही सब अपलोड करने का यहाँ दिया गया है। सभी आपको 120 KB के अंदर का आपको JPG में स्कैन करके आपको अपलोड करना है सभी डॉक्यूमेंट्स को। मैं यहाँ आपको एक डॉक्यूमेंट स्कैन करके दिखा देता हूँ। यहाँ रेजोल्यूशन जो है DPI दोस्तों यहाँ 300 है, तो मैं इसको कम कर देता हूँ। यहाँ मैं 150 करके देखता हूँ, आप सही ही कीजिएगा। 100 DPI जल्दी आपका साइज यहाँ मिल जाएगा। तो मैं यहाँ 150 पर करके दिखाता हूँ कि हमारा साइज आ रहा है कि नहीं आ रहा है उतना। और पेज दोस्तों स्कैन हो रहा है, आपको कलर स्कैन कर लेना है JPG में। दोस्तों मैं यहाँ स्कैन हो गया मेरा डॉक्यूमेंट्स। स्कैन होने के बाद मैं यहाँ डाउनलोड पर आ जाता हूँ। इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ ब्राउज करके अपना डॉक्यूमेंट्स को। आप जहाँ भी सिलेक्ट कीजिए रखिएगा वहाँ सिलेक्ट कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों यहाँ लिख रहा है कि 120 KB से 12 साइज है, तो अब इसको हम साइज छोटा कर लेते हैं उस पेज को। दोस्तों अगर आपका भी साइज बड़ा हो जाएगा तो आप इसी तरीके से अपना साइज कम कर लीजिएगा। यहाँ आपको चले जाना है, उसके बाद यहाँ आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर में आपको ओपन कर लेना है। उसके बाद पिक्चर पर आएंगे, रिसाइज करेंगे, उसके बाद यहाँ कम करना होगा साइज को। तो 100 से नीचे लिखेंगे, 80 हम कर देते हैं 80%। अगर बढ़ाना होगा तो 100 से ऊपर करेंगे और इसको हम सेव कर देंगे। दोस्तों यहाँ साइज हमारा ये अभी भी ज़्यादा है, तो और हम कम कर लेते हैं। इसको फिर से हम सेव कर देते हैं। यहाँ देखिए 104 KB का हो गया, जो कि 120 KB से कम ही रखना है। तो यहाँ मेरा कंप्लीट हो गया साइज, और इसको मैं अपलोड करके दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों हम सेलेक्ट कर दिए और उसके बाद हम अपलोड पर ओके कर देते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ अपलोड हो गया मेरा फाइल सक्सेसफुली। इसी प्रकार दोस्तों सभी को आपको बारी बारी से इसी तरह आपको अपलोड कर लेना है सभी डॉक्यूमेंट्स को। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।